पर पाकिस्तान एक बार फिर उत्तर कोरिया से अपनी दोस्ती मजबूत कर रहा है। जानकारों का मानना है कि यह दोस्ती भारत समेत पूरी दुनिया के लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि उत्तर कोरिया और पाकिस्तान परमाणु कार्यक्रम को तेज करने की कवायद शुरू कर सकते हैं। ये दोनों देश एक साथ मिलकर लंबी दूर तक मार करने वाली मिसाइलें बनाने की कोशिश कर सकते हैं। दरअसल समंदर में उत्तर कोरिया के जहाजों की कुछ ऐसी हलचल देखी गई है जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इमरान और किम ने हाथ मिला लिए हैं। अब तक चीन और पाकिस्तान की नापाक जोड़ी ही दुनिया के लिए परेशानी का सबब बनी हुई थी। ये दो देश मिलकर साजिशों और आतंकी प्लान को अमली जामा पहनाया करते थे, लेकिन अब चीन पाकिस्तान के नापाक गठजोड़ में एक और साझेदार की एंट्री हो गई है। चीन ने पाकिस्तान के साथ किसी और की नहीं बल्कि उत्तर कोरिया की दोस्ती करा दी। किम जोंग उन और इमरान खान की दोस्ती के क्या नतीजे हो सकते हैं? इससे दुनिया के समीकरण कैसे बदल सकते हैं? इस नापाक दोस्ती से दुनिया पर जंग का खतरा कैसे मंडरा सकता है? चीन को उत्तर कोरिया और पाकिस्तान की दोस्ती से क्या हासिल होगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल ये संदेह जताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया पाकिस्तान को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की तकनीक और परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी में मदद कर रहा है। ये आशंका ऐसे समय में जताई जा रही है जब गुजरात के कांडला बंदरगाह पर पिछले साल एक चीनी जहाज से भारतीय जांच एजेंसियों ने ऑटोक्लेव बरामद किया था। ऑटोक्लेव को मिसाइलों की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जांच में पता चला था कि चीन का ये जहाज चोरी छिपे पाकिस्तान के कराची बंदरगाह जा रहा था। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये तक दावा किया गया कि ये ऑटोक्लेव पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला था। पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया की बढ़ती दोस्ती का सिर्फ एक ही कारण है कि वो नॉर्थ कोरिया से लंबी दूरी की मिसाइल टेक्नोलॉजी और आधुनिक परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी लेना चाहता है। पाकिस्तान को मालूम है कि दुनिया का कोई और देश उसे ये टेक्नोलॉजी नहीं देगा। वैसे उत्तर कोरिया, चीन और पाकिस्तान के बीच हथियारों और उनकी तकनीक की तस्करी से जुड़ी खबरें पहले भी आती रही हैं। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जनक एक्यू खान पर उत्तर कोरिया को परमाणु तकनीक देने का आरोप तक लग चुका है, लेकिन फिलहाल उत्तर कोरिया और पाकिस्तान की दोस्ती पर शक गहराने की वजह कुछ और है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि उत्तर कोरिया के 1718 जहाजों ने पिछले 3 साल में दुनिया के कई देशों का रहस्यमय दौरा किया है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि उत्तर कोरिया के 1718 जहाजों में से कितने चीन या पाकिस्तान गए और उनमें क्या सामान लदा हुआ था। लेकिन उत्तर कोरिया के जहाजों की संदिग्ध आवाजाही पर अमेरिका ने भी चिंता जताई है। इससे पहले जून 2020 में जर्मनी ने कहा था कि चीन, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों को लेकर गठजोड़ चल रहा है। ऐसे में उत्तर कोरिया के 1718 जहाजों के रहस्यमयी दौरा करने से ये संदेह बढ़ता जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान और उत्तर कोरिया फिर से परमाणु और मिसाइल तकनीक पर एक दूसरे की मदद तो नहीं कर रहे हैं। कि दोनों की दोस्ती काफी गहरी है और इस गहरी दोस्ती का फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता है। पाकिस्तान को लगता है कि वो परमाणु होड़ में, खासकर मिसाइल रेस में, भारत से काफी पीछे रह गया है, इसलिए वो नॉर्थ कोरिया से मिसाइल टेक्नोलॉजी लेना चाहता है। इस घातक गठजोड़ से पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान और उत्तर कोरिया की दोस्ती नासूर बन सकती है, लेकिन चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो इन जैसे देशों के बूते दुनिया को ब्लैकमेल करना चाहता है। यही वजह है कि चीन चोरी छिपे पाकिस्तान और उत्तर कोरिया दोनों के हाथ मजबूत करता है। आपको बता दें कि चीन काराकोरम हाईवे के जरिए पाकिस्तान तक परमाणु सामग्री भेजता रहता है, जबकि रेल रूट के जरिए उत्तर कोरिया तक मिसाइल तकनीक और परमाणु बम बनाने की सामग्री भेजता है।
जर्मनी के एक अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट की माने तो इस दोस्ती का मकसद हथियारों के जखीरे को पूरा करना, मिसाइल की रेंज को बढ़ाना, उनकी क्षमता को सुधारना और नई हथियार प्रणाली को विकसित करना है। दुनिया में चीन के दोस्त हैं कहां? गिने चुने दोस्त हैं, या उत्तर कोरिया या पाकिस्तान। तो चीन इन दोनों देशों के साथ मिलकर एक ऐसा गठजोड़ बनाना चाहता है जो कि दुनिया के लिए खतरा पैदा कर सके, एक रोग गठजोड़ जो कि दुनिया के कानून कायदों को ना मानता हो, एक ऐसा गठजोड़ जो कि अपनी मनमानी करे और इंटरनेशनल लॉज और कन्वेंशंस को दरकिनार करे। चीन भले ही अपने फायदे के लिए पाकिस्तान और उत्तर कोरिया की दोस्ती करा रहा, चीन भले ही तिकड़ी बनाकर दुनिया के दूसरे मुल्कों पर रौब गाटने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा हो, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि अगर दुनिया के दूसरे शक्तिशाली मुल्क एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ गए तो खुद उसकी कैसी दुर्गति होगी।